हॉलीवुड की फिल्मों में दिखने वाले एक्शन सीक्वेंस जैसे चीनी सेना के सैन्य अभ्यास के वीडियोस को आपने कई बार देखा होगा। आपने देखा होगा कि चीन का सरकारी मीडिया कैसे अपनी सेना की डींगे हांकने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता रहा है। खुद की सेनाओं की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताना चीन के मनोवैज्ञानिक युद्ध का हथकंडा है, लेकिन ऐसी ही कोशिश में चीन की पोल खुल गई है। चीन इसे AG-600 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कह रहा है। उसका दावा है कि चीन में बना दुनिया का यह सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो पानी में चलने से लेकर हवा में उड़ सकते हैं। इस तथाकथित दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के वीडियो को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया, लेकिन इस वीडियो की स्क्रूटनी करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन के दावे में झोल हो सकता है। वीडियो के एकदम शुरुआत में 0.01 सेकंड पर एयरक्राफ्ट चीन के चिंगदाओ क्रूज टर्मिनल के पास है, लेकिन अगले ही पल अचानक फ्रेम बदल जाता है और 0.02 सेकंड पर वीडियो का दूसरा लोकेशन दिखने लगता है। पीपल्स डेली ने 26 जुलाई को वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, AG-600 एयरक्राफ्ट ने रविवार को पूर्वी चीन के शांगडोंग के चिंगदाओ के समुद्र से पहली बार उड़ान भरी। 28 मिनट की टेस्ट फ्लाइट के बाद इसने रिजहाओ शांजी एयरपोर्ट पर सुबह 10:69 पर लैंड किया। लेकिन चीन के दावों के उलट इस टेस्ट फ्लाइट के वीडियो में ऐसी एडिटिंग साफ दिख रही है जिसे लेकर सवाल उठते हैं। वीडियो के 0.03 सेकंड पर AG-600 एयरक्राफ्ट के ऊपर एक हेलीकॉप्टर फ्रेम दिखता है जो अगले फ्रेम में गायब हो जाता है। 8वें सेकंड पर हेलीकॉप्टर फिर से उड़ता दिखाई देता है। किसी रियल वीडियो में ऐसी एडिटिंग नहीं होती, ना उसकी जरूरत होती है। सैटेलाइट इमेजरी द्वारा उसकी जियोलोकेशन करने से यह पता चला है कि उसका रन यानी कि जो टेक ऑफ करने से पहले हवाई जहाज चलता है वो पानी के ऊपर जब चल रहा था तो क्रूज टर्मिनल छिंगताओ के क्रूज टर्मिनल से लेकर पानी के सतह के ऊपर वो चलता रहा तकरीबन 4500 मीटर और नेवल एविएशन बेस के पास टेक ऑफ कर गया। इसका ये मतलब होता है कि जो वो क्लेम करते हैं 1500 मीटर का टेक ऑफ उससे 3 गुना ज्यादा है। खुद को एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का बादशाह दिखाने की चीन की ये कोशिश ऐसे समय में सामने आई है जब उसकी सैन्य हेकड़ी को दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। भारत के 5 अत्याधुनिक राफेल फ्रांस से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए उड़ चुके हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी सैन्य ताकत चीन को चुनौती देने के लिए तैयार है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा AG-600 स्वदेशी एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बनाने का चीनी दावा कोरा भी हो सकता है।